सहारा प्रणाम, मैं हूं अंजु पंकज। साल 2012 का आखिरी हफ्ता साल के सबसे बड़े ग्रह परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट का कारण माने जाने वाले छाया ग्रह राहु और केतु ने चली है सबसे शुभ चाल। राहु केतु ने अपनी अपनी राशियों को बदलते हुए किया है साल का सबसे शुभकारी परिवर्तन, कैसे आइए आपको दिखाते हैं। राहु केतु के परिवर्तन का असर तमाम राशियों पर कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए हमारे खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक वासुदेव जी। हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपको पंडित जी। नमस्कार। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में राहु केतु के इस परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया गया है। साल 2012 का आखिरी हफ्ता साल का सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन, छाया ग्रहों ने बदला अपना घर। राहु केतु ने किया राशि परिवर्तन। ज्योतिष विज्ञान में पाप ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु और केतु ने अपनी अपनी राशियों में परिवर्तन करते हुए साल 2012 के आखिरी सप्ताह को साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन का साक्षी बना दिया है, क्योंकि छाया ग्रह राहु और केतु को ज्योतिष विज्ञान में अनिष्ट का सूचक माना गया है। और जब जब ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब तब सभी ग्रह और नक्षत्रों पर इसका सीधा असर होता है। राहु जो अब तक वृश्चिक राशि में गतिमान था वो अब अपनी वक्री गति से तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, जबकि केतु जो अब तक वृषभ राशि में गतिमान था वो अब मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि राहु और केतु दोनों हमेशा वक्री यानी उल्टी गति से चलते हैं और तकरीबन 18 महीनों में अपनी अपनी राशियां बदलते हैं। और जब जब ये छाया ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तब तब देश दुनिया और इंसानी जिंदगी में होता है परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। तो कैसा होगा राहु और केतु के राशि परिवर्तन का असर आपकी जिंदगी पर, आपकी राशि पर, आपके परिवार और आपके कारोबार पर? आपके लिए ये परिवर्तन शुभकारी साबित होगा या फिर आपको रहना होगा सावधान? हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस आप चलते रहिए समय के साथ। पंडित जी, कैसे देखा जाए इस ग्रह परिवर्तन को? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन है ग्रहों के अंदर, और 1865 के बाद ये राहु और केतु जो है ये तुला राशि के अंदर आए। 1865 के बाद? 1865 के, करीब करीब 150 साल मानते हैं। करीब करीब 150 साल। अब इससे पहले कि मैं इनका विवेचन करूं, एक बात को समझ लेना अति आवश्यक है कि ग्रह जो है ये आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। जब ये आपके तीन चीजों पर, मनसा वाचा कर्मणा, मन पर, कर्म आपकी वाणी पर, तीनों चीजों पर इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्म फिर भी आपके अधिकार क्षेत्र में है कि जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से यदि आप अपने कर्म की गति को बदल देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा और शुभ है। मैं इस योग को महाशुभ योग मानता हूं, पर एक शब्द बोल देता हूं सिर्फ इसके लिए कि सावधान, कौन? पापी, पाप करने वाले, इस सृष्टि का नाश करने वाले, इस संस्कृति का नाश करने वाले, मानवतिया जो मानवता है उसका नाश करने वाले लोग, मेरा ख्याल से आने वाले 1.5 साल के अंदर उनके समाप्ति का समय राहु केतु के तुला राशि में जाने से आरंभ हो चुका है। अगर मैं हिस्ट्री देखूं, अपने इतिहास देख लूं, तो 1865 के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन अमेरिका के अंदर आया, वहां पर एक क्रांति आई और अमेरिका आजाद हुआ। 1865 बॉम्बे को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने घोषित किया,
क्योंकि 1857 का जो गदर हुआ था या युद्ध हुआ था उसके पश्चात 1865 में उन्होंने भारतवर्ष के अंदर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। व्यापारिक दृष्टि से भारत को एक बहुत बड़ा बूस्ट या बहुत बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त हुई। लेकिन लोगों के अंदर मानसिकता का परिवर्तन देखिए कि वहां पर से एक बीजारोपण हो गया कि हमें आजादी चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं। मैं अगर इसको लक्ष्य छोटी भाषा में बदल दूं तो बहुत बड़ी बात बोलूंगा। ये परीक्षण शायद मेरी 2005 से लेकर के 2012 तक मैं निरंतर बोलता आ रहा हूं कि भारत के संविधान में परिवर्तन होगा, इंडियन पीनल कोड बदला जाएगा, लोगों की मानसिकताएं बदली जाएंगी, भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर भी बदलाव होंगे, भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिव डायरेक्शन में भारतवर्ष के लिए होगा, पूरी विश्व की निगाहें भारतवर्ष की ओर होगी। और अब मैं ये देख सकता हूँ कि इसके पश्चात कहना तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी या बोलूं मैं ऑटोपिया बोल रहा हूँ कि आने वाले समय जो 10 साल का भारत का है ये 1.5 साल के अंदर इसको दोबारा सोने की चिड़िया बना लेगा। लेकिन बनेगा तब जब मेरी और आपकी मानसिकता के अंदर परिवर्तन होगा, हम अपना धर्मांध को छोड़ के अपना रिलीजन अपना क्षेत्र और सबको छोड़ करके जिस समय हम देश के लिए सोचेंगे उस समय के परिवर्तन होगा। और मेरे को पक्का विश्वास है अपने ग्रहों पर कि राहु और शनि का तुला राशि के अंदर जाने से आपकी मानसिकता में परिवर्तन होगा और आप देश के लिए सोचेंगे। और जब ये छोटा सा पुंज जो हमारे दिमाग के अंदर रहता है जिसको बोलते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, पिंडे शु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे शु पिंडे, हमारा जो पिंड है जो कि एक पुंज रूप में एकत्रित होकर के जब इकट्ठा हो जाता है तो महापुंज जो है वो पूरी की पूरी कायनात को बदल के रखता है। तो ये बदलाव का है, बहुत सोच समझ करके आने वाले समय में लोगों को अपनी मानसिकता से चलना है। तो पंडित जी अगर ये बदलाव कर रहे हैं तो जब ग्रह हैं राशि से शुरू कर लेते हैं, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं कि उन राशियों पर इसका क्या असर है। जी अब मेष राशि वाले देखे तो आपके सातवें भाव पर हुआ तो सातवें भाव पर प्रभाव है, तो अब ये सोचिए कि वहां पर तो बुरा होगा लेकिन बदलाव हो सकता है, एग्जॉटिक सिचुएशन हो सकती है, तरह तरह के प्रपोजल आपको आ सकते हैं, पुराने रिश्तों को बदलने के भाव आपके मन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सातवां घर यदि मेष राशि वालों ने लेना है तो अपने प्रोफेशन का लीजिए, अपने सर्विस का लीजिए, वहां पर एक अच्छा बदलाव आपको दिखाई देगा। और दूसरा छोटी सी भाषा में बोल देता हूँ कि एको नारी सदा ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक मेष राशि वालों के लिए, अदरवाइज प्रोफेशन के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा। अब वृषभ राशि वाले देखे तो छठे भाव में आम भाषा में बोलेगा बीमारी से निजात देगा, आपको कंधे से निजात देगा, बाकी चीजों से निजात दे देगा, लेकिन आप एक बात को देखिए आपके लड़ने की क्षमता भी बढ़ा देगा। लेकिन लड़ाई किससे? अपनी अंतरात्मा से, अपनी बीमारियों से, अपने कुविचारों से। यदि आप अध्यात्म की ओर थोड़ा सा कदम रखेंगे वृषभ राशि वाले तो मेरे को लगता है कि आपको आध्यात्मिक प्राप्ति भी होगी, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मा आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपका जो मन जो विचलित रहता है वो विचलित मन जो है वो भी एक जगह एकत्रित होकर के आपके हरेक दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त कर लेगा। अब मिथुन राशि देखें पंचम भाव के अंदर गया, पांचवा घर बोलते कि पिछले जन्मों के कर्म या फिर पिछला जन्म, अब वहां पर जो आपके पाप और पुण्य है वो अब आपके सामने, नए कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, नए नए विचार मन के अंदर उत्पन्न होंगे। जो रिसर्च के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा समय मिथुन राशि वालों के लिए आएगा। मैं हालांकि हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव रहता हूँ देश के प्रति, लेकिन फिर भी हमारे भाई बहन है, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा उनकी मिथुन राशि, उनकी सोच जो है वो एकदम से बदल करके उनको भी लगेगा कि नहीं अभी भी हमें एक मेन धारा के अंदर चलना है। इसी तरह का परिवर्तन मिथुन राशि वालों में आपके अंदर भी आएगा। आप कुटुंब परिवार बच्चे लाभ को सोच करके केवल अपने परिवार की सोच पैदा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कर्क राशि वाले देखिए चतुर्थ भाव चौथे भाव के अंदर शनि बैठ करके घर को भंग करता है, लेकिन राहु महाराज वहां बैठे, अब कुटुंब परिवार की वैल्यूज आपको मालूम पड़ेगी, इकट्ठा होकर के कैसे चलना है, इकट्ठा होकर के कार्य कैसे कर सकते हैं, और परिवर्तन तो बहुत आपके जीवन के अंदर आने वाले हैं। आपका प्रेम पैशन कंपैशन जिसको बोलते हैं वो अपने देश और अपने घर के प्रति आपका बहुत अच्छा रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब कर्क राशि भारतवर्ष की भी राशि है, 15 अगस्त 1947 से आजादी से जब हम लेते हैं तो अब ये जो इकट्ठापन है लोगों के अंदर एकमत होकर के जीने का और एक तरक्की करने का आध्यात्मिक दृष्टि से भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी,
ये भी मुझे इस राहु केतु एक्सिस में नजर आता है। जी, शनि और राहु भी एक साथ आ रहे हैं, तो ये जो संयोग है इसे कैसे देखें हम? देखिए, मैं तो शुभ देखता हूँ। अब बड़ी छोटी सी भाषा में बोलूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। राहु को छाया गया है, छाया ही है, इक्विनॉक्स है, जो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ग्रहों का जो एक्सेंट होता है वहां से हम देखते हैं कि किस ग्रह की मूवमेंट कहाँ है। लेकिन राहु केतु के एक्सेंट में आने से शनि महाराज जो है उनके जो नेगेटिव जो उनके नोट्स होते हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट शनि महाराज के होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। लोगों की मानसिकता के अंदर एक आध्यात्मिक विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, बैलेंसिंग हो जाती है। दूसरा देखने वाली बात में राशि है तुला, अब तुला राशि से करानी राहु और केतु जो पाप और पुण्य के पलड़े और लोहिए का गज अपनी उच्च अवस्था में शनि महाराज वहां बैठते हैं और दंडता का कारण राक्षस जो अटहास करता है, चोरी से अमृत भी चोरी कर लेता है लेकिन देवताओं में गिना नहीं जाता। तब देखिए दोनों का विरोधाभास की स्थिति है, लेकिन अंतोगतवा जो पराजित तुला जो इक्विलिब्रियम है वो ये बनाकर के राहु और केतु एक्सप्रेस हुए प्रत्येक व्यक्ति के मन में रखे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके ऊपर ग्रहों का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन ध्यान रख लीजिए आज मैं पहली बार जीवन के अंदर बोल रहा हूँ कि इस परिवर्तन का असर प्रत्येक जन जन पर अवश्य होगा। तो 150 साल बाद ये संयोग देखने को मिल रहा है, राशियों पर इसका क्या असर होगा इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं पंडित अशोक वासुदेव जी से। एक छोटा सा ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं आपके सभी समय के साथ। राहु और केतु एक साथ तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं और जितना से पंडित जी हमें बता रहे हैं कि 150 साल बाद ये परिवर्तन देखने को मिलता है और शुभ ही रहेगा। पंडित जी बाकी राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि से शुरू करते हैं जी। अब सिंह राशि वालों को मैं कहूंगा आपके लिए शनि महाराज जो है वो मारक अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। तृतीय भाव पराक्रम भाव के अंदर राहु और शनि का योग आपके इमेजिनेशंस को बढ़ा देगा, आपकी क्रिया शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा देगा, आपका जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज्यादा शार्प कर देगा। अब उसका फायदा आपको उठाना है कि सही और गलत क्या है, सही और गलत के बीच का फर्क समझना ये आपके लिए आवश्यक है। सिंह राशि की तरह से यदि आप थोड़े अहंकार में रहेंगे, थोड़े अहंकार तो होता ही है सिंह राशि वालों में, अहंकार में रहेंगे तो ये राहु और शनि आपको उल्टा फल भी दे सकता है, आपका स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, भाग्य उदय के अंदर कमी भी कर सकता है। लेकिन शनि महाराज को देखना अति आवश्यक आपके लिए कि सूर्य का पुत्र है शनि, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के पिता पुत्र दुश्मन नहीं हो सकते, तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपका दुश्मन कौन और मित्र कौन, इसके बीच का यदि फर्क आपने जान लिया तो ये देखिए कि आपके लिए ये जो एक्सिस अभी राहु केतु का बना है शनि महाराज का तृतीय भाव प्राकृत भाव में, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। अब कन्या राशि को देखें तो आपका द्वितीय भाव कुटुंब परिवार, आपका परिवार आपका धन ये उसके अंदर वृद्धि करेगा, अचानक से कुछ धन के स्रोत खोल देगा। आप देखेंगे अचानक से कुछ रिश्ते नाते बनने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में, नए रिश्तों का आगमन आपके जीवन के अंदर। आराम तो कई बार भ्रमित भी कर देता है, अब आपको देखना यह है कि कौन सा रिश्ता छोड़ना है और कौन सा आपके कर्म क्षेत्र। कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता के 13वें अध्याय में यही कहा था कि चॉइस कीजिए, चुनना मैं सही को चुनू गलत को चुनू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को नापना आपके लिए अति आवश्यक, क्योंकि अभी सारे साथी का आखिरी सेल आपके जीवन में बाकी है। तुला राशि वाले अत्यंत शुभकारी आपके लग्न के अंदर चंद्रमा के साथ राहु और शनि का योग आपको बैलेंस कर देगा, नई चीजें दे देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा आपके। अब लेकिन सप्तम भाव में केतु महाराज बैठते जाते जीवन साथी का साथ, मित्रों का साथ चाहिए, जहां नौकरी करते हैं वहां पर एक सौहार्द का भाव आपको बना करके रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और सातवें भाव के अंदर जिस समय केतु जाता है तो जितना आप आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास की दृष्टि से अपने पार्टनर को साथियों को देखते हैं उतना ही आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी होती है। और ध्यान रखिएगा आपकी मनोवृत्ति के अंदर शंकाएं पैदा हो सकती हैं लेकिन विश्वास ईश्वर का नाम होता है, सेल्फ रिस्पॉन्स वॉट इज सेट। वृश्चिक राशि वाले देखें
तो आपके लिए 12वें भाव के अंदर ये योग बना, शायद आपको तरह तरह की भ्रांतियों में डाला जाए कि 12वें भाव के अंदर ये राहु केतु का एक्शन आपको कुछ तंग कर सकता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा खर्चे बढ़ा सकता है, आपके जितनी इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से आध्यात्मिक सिद्धियां, प्रभु की कृपा, ये केवल इसी समय पर है। सारे साथी का समय आपको पहला फेज शुरू हो चुका है, और जब भी ये 30 साल का साइकिल आता है और कहीं राहु महाराज इसके साथ जुड़ जाए तो राहु जो है ये अध्यात्म का कारण भी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि आध्यात्मिक वृद्धि होती है राहु और शनि की कृपा से ही होती है, क्यों वहां आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने व्यसनों, अपनी गलत क्रियाओं को, अपनी गलत सोच। और वृश्चिक राशि वालों को एक उदाहरण अच्छी तरह से दे दूं कि क्रियाएं करने से कुछ नहीं होगा, अपने मन के अंदर परिवर्तन करने से। हनुमान जी जिस समय लंका जला करके आ रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद वीर्य का रूप परिवर्तित होकर एक मछली के पेट में भी गर्भ धारण कर दिया था, तो वो आत्मिक मन से भी उस पाप का निवारण करना वृश्चिक राशि वालों की रहती है। खास पेशकश लगातार जा रही है, लेते एक और छोटा सा ब्रेक, अब तक करें समय के साथ। तो ग्रहों के सबसे बड़े परिवर्तन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में पंडित अशोक वासुदेव जी बने हुए हैं। पंडित जी धनु राशि से शुरू करते हैं, मीन सब जो बाकी चार राशि है उनके बारे में बता दीजिए, उनके लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 1.5 वर्ष आपसे अच्छे लोगों से रिश्ता बने, नए आयाम आपके जीवन के अंदर खुलेंगे, नई नई चीजें आपके पास आएंगे, नए रिश्ते आएंगे, पुराने रिश्तों के अंदर थोड़ा सा कई बार खटास पैदा कर देता है। लेकिन एक बहुत बड़े राइटर ने कहा, रिंग इन द न्यू रिंग ऑफ योर एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स, जो आपके परम मित्र हैं केवल उनके ऊपर विश्वास करिएगा, बाकियों पर नहीं। और मित्रता को पहचानना समय की कसौटी पर उनको परखिएगा। और धनु राशि वालों को चाहिए कि इस समय अपने गुरु का पूजन करें, गुरु का साथ दें, अपने जो ईष्ट देव हैं उनका पूजन करके ये वर्ष का आरंभ कीजिए आने वाला समय, क्योंकि इससे बढ़िया राशि में धनु से बढ़िया नहीं देख पा। धनु राशि भारतवर्ष की जुडिशरी की राशि, अब जुडिशरी में देखेंगे आप कैसे कैसे डिसीजन आपको सामने नजर आएंगे, जो कानून में चीजें नहीं लिखी हैं वो भी कानून बन के लोगों के सामने आए। अब देखना उनको है कि उनकी जो विजडम है, जो उनकी जो बैलेंस ऑफ माइंड है, वो किस तरह से अपने दुई स्वभाव को छोड़ करके केवल एक जनमत के हित के लिए वो कार्य करती है। अब मकर राशि वाले देखे, अब इनके लिए मैं खास तौर से मकर राशि वालों के लिए मैं कुछ लिख करके लाया था कि कैरियर, सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य, समाज के अंदर की इज्जत आपकी बहुत बढ़ने वाली। जो लोग आपसे जीवन के अंदर खुंदर खाते थे या आपको बुरा भला बोलते थे वो भी आपको आपके आसपास मंडराने शुरू हो गए, लेकिन आपको बचना किस चीज से, चाटुकारिता से बचना, अननेसेसरी जो आदमी प्रेम करता है उससे बचना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़े से कड़वे मित्र अपने पास रख लीजिए। मकर राशि वालों को निंदक नियर है राशि बनाए बिन साबुन बिन पानी निर्मल हो चुका है, तो निंदा करने वाले को जरा फिर जेल में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाटुकारिताओं से बचिए, आपका प्रोफेशन और घर की खुशियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब देखिए कुंभ राशि, अब कुंभ राशि वालों के लिए क्योंकि कोई पॉइंट छूट नहीं जाए मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने पहली बात कुछ लिखा है आपके लिए कि 9वें घर में जाने के बाद आपका क्रियामान के अंदर चला है विश्वास, किस पर करना किस पर नहीं करना, पराक्रम की वृद्धि अगर करनी है तो वो फीलिंग कौन सी, किस पर चढ़कर के आपके ऊपर जाना है, और उस पर चढ़ने के पश्चात उस चीड़ी को लाभ तो नहीं मान रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। हालांकि आपकी मनोवृत्ति में यह बात नहीं होती, आप लोग बहुत ही ज्यादा सीधे और स्ट्रेट लोग होते हैं। और मैं ये कहूंगा कि आपको कुछ एजुकेशन फील्ड के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी की डिग्री जैसे समझ लीजिए कि आप अगर 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री या पीएचडी की डिग्री आपके पास मिल पाएगी।
अब मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव बोलूंगा जो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बन के आएगा क्योंकि उसके आठवें घर के अंदर ये योग बना है। लेकिन आठवें घर को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मृत्यु का घर नहीं है, गड्ढा नहीं है, आयुष दसवें से ग्यारहवां अचानक से कुछ लाभ की स्थितियां पैदा करेगी, लेकिन उसको समेटना आपका काम। कहते हैं कि एक मछली हाथ में हो तो उसको पकड़ने के लिए बाकी मछलियों को बस छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में उसको बांध करके रखिएगा और उसके बाद थोड़े से सख्त डिसीजन लाइफ के अंदर आपको लेने पड़ेंगे, अपने रिश्ते नातों को लेकर के, अपने पुरातत्व पुरातन को लेकर, हेरिटेज को लेकर। जब वो आपको वो डिसीजन लेंगे तो मन में कष्ट अवश्य होगा। अर्जुन ने जिस समय तीर मारे थे अपने भाइयों को तो उस समय आंखों में उसके अश्रु अवश्य थे। तो इस तरह की स्थिति मीन राशि वालों के साथ बन सकती है, लेकिन अपने परिवार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए यदि कोई ऐसा कार्य करना पड़े तो मीन राशि वाले अवश्य। पंडित जी, ये जो संयोग है ये कब तक बना रहेगा और आप कह रहे हैं कि शुभ कार्य सबके लिए, तो खास कोई पूजा अर्चना करने का भी विधान रहता? अब देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो समय है, ये जो समय है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि शनि आपकी बोन मैरो है और राहु आपका क्या है, ये धुआं है, धूम्र लोचन है, आपके मन को भ्रमित कर सकता है। जब ये दो तत्व इकट्ठे हो जाते हैं केवल मां दुर्गा का पूजन काम आता है, अपने अंदर का मातृत्व काम आता है, आपके अंदर का वात्सल्य काम आता है। जब मां दुर्गा का पूजन करते हैं तो उस समय आपके अंदर आपका जो चंद्र राशि है वो जागृत हो जाती है। इसलिए सिर्फ आप एक ही पूजा करिए, मां दुर्गा का सभी लोग यदि मिलकर के पूजन करेंगे, अपने अंदर मातृत्व का भाव लेकर के आएंगे और ये सोचेंगे कि माता आपके जीवन में कितना ज्यादा महत्व रखती है, या स्त्री कितना ज्यादा महत्व रखती है, या स्त्री का तत्व कितना ज्यादा महत्व होता है, तो ये जो राहु और शनि का योग है ये और भी अच्छी तरह से जागृत हो। तो आप इसके लिए पूजन कोई भी जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं उन मंत्रों का जाप करिए, जी वो आपके लिए अति शुभ। मनीष जी, आप स्टूडियो में आए सबसे बड़े योग परमार्थ बात की परिवर्तन पर इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पेशकश में फिलहाल इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।